हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ वकार्ड लिमिटेड। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली जो वीडियोस हम पोस्ट करते हैं उनको फॉलो करते हो तो आपको याद होगा डेफिनेटली, वकार्ड का शेयर जब 150 एंड 200 की प्राइस रेंज में चल रहा था उस समय हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन कवर करना स्टार्ट किया था, इसके बारे में अपडेट्स देना स्टार्ट किया था। और आप जानते हो बैक टू बैक बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे जो है आए थे वकार्ड के बारे में, जिसके चलते हमारा एनालिसिस ऐसा कह रहा था कि ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ की प्राइस एकदम अचीवेबल लगती है इस स्टॉक में। बट आप देख सकते हो 150 एंड 200 से लेके शेयर जो है 995 का हाई बना चुका है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे FIIs, DIIs हो या लोकल इक्विटीज़ हो, इनकी तरफ से बहुत वखाड़ में लेके की गई है। उसके पीछे बहुत से रीजंस थे, जैसे मैंने बोला था बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो है यहाँ पे उनके ऊपर मेजरली फोकस करने वाला है वखाड़, और उनका पेटेंट भी उसके पास रहने वाला है, तो जिसके चलते एक बहुत बड़ा मूवर एडवांटेज उनको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ये हम बार बार कह रहे थे। और आई थिंक उसी का इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला। 200 रुपये का ये स्टॉक हमें जो है यहाँ पे इजीली 1000 की प्राइस टच करता हुआ दिखा है 995 की। तो हम अगर नेट नेट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 400% तक के रिटर्न जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दे दिए हैं, अगर आपने इसको 200 के बिलो या 200 की प्राइस पे खरीदा होता तो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। उनमें से सबसे बड़ा अपडेट यह था कि रिसेंटली वकार्ड शेयर लॉक्ड 5% अपर सर्किट आफ्टर रेजिंग 480 करोड़ QIP। तो यहाँ पे वाया QIP इन्होंने जो है 480 करोड़ का जो है फंड रेस किया है, और उसके चलते बीच में हमें जो है अपर सर्किट देखने को मिला था। बट उसके बाद रिसेंटली एक कुछ अपडेट आया है बड़ा, जो क्या है देख सकते हो आप। मुंबई बेस्ड वकार्ड टू लॉन्च इट्स नोवल एंटीबायोटिक जेनिच बाय फाइनेंशियल ईयर 25 एंड। और फ्रेंड्स, ग्लोबली ये पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक है ये 25 बिलियन का बिजनेस ग्लोबली करा सकता है वखाड़ से रिलेटेड, यानी वखाड़ को इतना बड़ा बिजनेस ये एंटीबायोटिक जो है दिला सकता है, ऐसा यहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा है। जब 25 बिलियन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा नंबर आता है, और उसी के चलते हमें जो है इतनी ज़बरदस्त रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली है। क्योंकि ऐसे ही एंटीबायोटिक्स के बारे में पीछे भी हमने अपडेट्स कवर करे थे, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 to 3 ऐसी एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की थी। अब 2025 तक अगर यहाँ पे वकार्ड इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखाता है तो हमें और शेयर में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, उसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि 25 बिलियन का बिजनेस बहुत बड़ा होता है फ्रेंड्स किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। यहाँ पे देखिए आप, अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है इसका, और अभी ये 908 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिटर्न दे चुका है। होल्डिंग, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि अगर हम होल्डिंग देखना चाहेंगे तो देखिए आप, म्यूचुअल फंड्स दिखा देता हूँ सबसे पहले। 0.09% होल्डिंग था फ्रेंड्स डिसम्बर 2023 में, मार्च क्वार्टर में देखिए बढ़ के हो गया 3.11%। अब अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, सेम वहाँ पे भी देखने को मिला 0.25% से यहाँ पे 1.72%। काफ़ी ड्रास्टिकली इन्होंने जो है बाइंग स्टार्ट करी है मार्च क्वार्टर में। अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स FIIs लगभग जून 2023 से कंटिन्यूसली बाइंग करते हुए दिख रहे हैं, और रिसेंटली अभी इनके पास 5.49% के स्टेक्स है। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे हमें जो है इनकी तरफ से बाइंग देखने को मिली। और यहाँ पे जब भी म्यूचुअल फंड्स, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, FIIs जो बाइंग करते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली यहाँ पे रिटेलर कहीं ना कहीं पेशेंस कम होने की वजह से जो है अपना स्टेक बेच के निकल जाते हैं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी फ्रेंड्स आज के इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये हमारा काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक रहा। अगर आपने भी हमारा वीडियो देखा था और इसको 200-150 की रेंज में खरीदा था तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट में आपका वैल्यूएबल सजेशन, जो अपडेट इसके अलावा कुछ है जो आपको नहीं, जो हमें नहीं पता है आपको पता है, वो दूसरे लोगों को पता चले, उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।